पुरानी रंजिश के चलते कुख्यात बदमाशों ने एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत पसर गई। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर सतविंदर रोज की तरह गांधी मार्केट में एक दुकान पर चाय पीने गए थे, तभी एक कार दुकान से कुछ ही दूरी पर आकर रुकी। कार से नीली टोपी पहने एक युवक उतरा और दुकान में जाकर सिगरेट लेकर आया और फिर वापस कार में जाकर बैठ गया और फिर कुछ ही देर में वो हाथों में रिवॉल्वर लेकर दोबारा अपने 3 साथियों के साथ कार से उतरा और चाय की दुकान में बैठे सतविंदर सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली, जिससे सतविंदर की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती, चारों बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए कार में बैठ फरार हो गए। हत्या को अंजाम देते बदमाशों की ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई। मरुस्ती गाड़ी आई है, पहले यहाँ रोकी है, फिर वो पेड़ के पास रोकी। बस पहले एक बंदा उसमें से उतर के आया था, देख के गया, फिर वहाँ से 3 जने आए रिवाल्वर हाथ में लेकर के। एक अंदर गया, उन्होंने ठाठा किया और दूसरे ने, मैं यहीं खड़ा था, एक बाल इस खड़ी पे खड़ा हो गया, एक यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी उनकी। एक ने मेरे को यूं करा कर पीछे जा, बस चला के गोली और से गिर गई। चारों हमलावर जिस कार में आए थे उसका नंबर पंजाब का बताया जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी की पहचान कर ली है। आरोपी का नाम प्रिंस है, जो हत्या के केस में फरार भी चल रहा है। बाकी 3 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। जिसने जो मर्डर किया है उसको भी हाईकोर्ट से वो बेल पे था और फिर उसको उसकी सजा बरकरार रखी गई थी और बाकी उसके साथियों ने सरेंडर कर दिया था और जिस जो इसे सरेंडर नहीं किया। इनको कोशिश करेंगे जल्दी तो से जल्द अरेस्ट करने के लिए। हमारी एक तो आइडेंटिफाई हुई है जल्दी इनको, जिसका ये नाम लगा रहे हैं प्रीत, हाईकोर्ट से बेल पे था। शहर में खुलेआम दिन दहाड़े हुई इस वारदात से एक तरफ जहां लोग खौफ में हैं, वहीं इस घटना ने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। R9 TV के लिए अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।